नमस्कार साथियों, व्यापम गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। 21 जून 2021 को इंटरनेशनल योग डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी योगा फॉर वेल बीइंग। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, थीम थी योगा फॉर वेल बीइंग। इसी दिन देश के प्रधानमंत्री ने एम योगा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसमें प्रशिक्षण वीडियो और ऑडियो हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय द्वारा WHO के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। नेशनल करंट अफेयर्स की बात करें तो NHRC ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो जांच करेगी कि हिंसा कैसे और क्यों हुई। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर सरकार ने COVID-19 के कारण इस वर्ष के लिए अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी। इस बार की सबसे बड़ी जो खबर है, जो करंट अफेयर है, कि अमरनाथ यात्रा COVID-19 के कारण जम्मू कश्मीर सरकार ने रद्द कर दी है। अमरनाथ यात्रा रद्द हो गई है। आर्थिक करंट अफेयर्स की बात करें तो UNCTAD के द्वारा बताया गया है कि भारत को 2020 में $64 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ है और सरकार ने जून 2025 तक सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के प्रसारण पर अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क में छूट दी है। किसमें छूट दी है? अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क में छूट दी है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, उसमें रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम और एस्थर डफलो और जीन द्रेज को सम्मिलित किया गया है। इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन और उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है। आर्मेनिया में इलेक्शन के दौरान कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन और उनकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी ने संसदीय चुनाव को जीत लिया है। स्वीडन की संसद ने अविश्वास प्रस्ताव में PM स्टीफन लोफवेन को बाहर कर दिया है। और 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया गया।